गोंड वानागढ़ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ नहीं उठ रही है, लगता है किसी गोंड वानागढ़ पार्टी की राज पाटने चाहिए। गोंड वानागढ़ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गोंड वानागढ़ पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा दादा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा दादा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद। गोंड वानागढ़ पार्टी के तत्वाधान में विशाल हम सब का वजन इस गुणवाना के धरती में जो छोटा सा भूखंड है जिला डिंडोरी में आयोजित है इस कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के विशेष मुख्य अतिथि सम्माननीय महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नई दिल्ली आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। इस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भाई अमान सिंह पोर्ते जी आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्माननीय श्याम सिमरकाम जी राष्ट्रीय महासचिव आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सम्माननीय हरेंद्र सिंह मार्को जी प्रदेश संगठन मंत्री गोपा मंच पर विराजमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संगठन मंत्री रूपनाथ टोया जी इसराइल खान जी आज जो जिन्हें आज मैं पार्टी ज्वाइन किया जो लगातार अंदर अंदर काम कर रहे थे छह महीने से लगातार छह महीने साल भर से काम कर रहे थे परम सम्मानी था बलुक जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोंड पार्टी और मंच पर विराजमान बिंद क्षेत्र के अध्यक्ष राम प्रताप कुशवाहा जी एवं बिंद प्रदेश के समस्त उनकी पूरी टीम मंच पर विराजमान जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी सम्मानियों को मेरा सेवा जोहार और गोंड वानागढ़ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश के कार्यकारिणी जिले के कार्यकारिणी ब्लॉक के कार्यकारिणी और राष्ट्रीय गोंड वानागढ़ पार्टी के समाज सभी के कार्यकारिणी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल दुर्वे जी स्टेट यूनियन मातृशक्ति प्रकोष्ठ एवं तमाम अल्पसंख्यक मोर्चे सभी को मेरा सादर सेवा जोहार और मंच के सामने बैठे विराजमान इस देश के मालिक और मालकिन आप सभी को सेवा जोहार आप सभी चरणों में बारंबार प्रणाम। साथियों आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच में हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आदिवासियों के साथ में और विशेष मूल निवासियों के साथ में सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता सीनियर लायर है महमूद प्राचा जी आपको आश्वासन दिए भरोसा रखिए आप एक एक बात सच है। हमने यदि किसी को भरोसा नहीं उनका YouTube देखिए आज हर हाथ में नेट है हर हाथ में मीडिया है आप देख सकते हैं। साथियों अपनी उद्बोधन जो दादा मरकाम जी को चरणों को सेवा जोहार करते हुए दादा मरकाम जी के आंदोलन के मुख्य जो गीत के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा। दादा मरकाम जी दादा कंगाली जी डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी जयपाल मुंडा जी तमाम महापुरुष जिन्होंने हमारी हक की लड़ाई लड़ी हमारी हक की लड़ाई लग करके हमें हक अधिकार दिलाने का काम किए उन सभी महान पुरुषों को मेरा सेवा जोहार। दादा मरकाम जी का छोटा सा गीत बांधा रे सुमत के बाना क्या कहा दादा ने बांधा रे बांधा रे बांधा रे बांधा रे सुमत के बाना तभी आई राज गोंडवाना। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं गोंडवाना राज तो सुमत के बाद बांधना पड़ेगा। सुमत क्या है हमारा मन हमारा विचार हमारा सलाह एक दूसरे से। दादा मरकाम ने कहा रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो गोंड वाना की सरकार बनाते चलो
तो दादा ने कहा बांधव रे सुमत के बावाना तबे यही राज गुंडवाना पागला बांध लो पागला पागला बांध लो मन में ठान लो पागला बांध लो मन में ठान लो निगरा तो कुंद्रा ले निगरा तो कुंद्रा ले कुंद्रा माने अपने घर से निगरा तो कुंद्रा ले और मुटका ला तान के अन्याय से जूझ परो अन्याय से जूझ परो है ना निगरा तो कुंद्रा ले मुटका ला तान के अन्याय से जूझ परो नहीं है कोनो बहाना नहीं है कोनो बहाना तभी आही राज गुणवाना तभी आही राज गुणवाना गाना तो लंबा है साथियों दादाजी के चंदन का दो लाइन कहना चाहूं छोटी सी लाइन है कि नहीं दिन निकला तो सुबह कहते हैं दिन सूरज निकला तो सुबह का दिन कहते हैं और सूरज ढला तो शाम कहते हैं और सो यही काम को जगा दो उसे हीरा सिमर काम कहते हैं हीरा सिमर काम कहते हैं साथियों आज आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल पर इस देश के मूल निवासी की हालात क्या है आपके सामने साक्षात है हम लोगों की हालात क्या है हमारे हमारी जमीन गिरवी पड़ी हुई है हमारी जमीन गिरवी पड़ी हुई है आज हमको रोजी मजदूरी नहीं मिल रही है सरकार हमें रोजगार गारंटी देती कितने दिन की रोजगार गारंटी है रोजगार गारंटी हमें चला रही कि नहीं देश हमारा है इस देश के मालिक हम हैं योजना हमसे पूछ के बनाना चाहिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी वचन देती है ये जो रोजगार गारंटी का दिन है आपसे पूछ के बनाया जाएगी और हमारी मंशा तो है 100 दिन नहीं उम्र भर रोजगार की गारंटी 100 दिन नहीं उम्र भर रोजगार की गारंटी देश के मालिक आप लोग पैसा आपका है कि नहीं तो हम बना योजना बनाने ले होते कौन जी आपका पैसा आपके घरों तक जाएगा ये बातें हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय कानून सलाहकार हैं उन्होंने आप तक पहुंचाई है तो भरोसा रखिए निश्चित रूप से हमको दादा मरकाम की जो 1-2-10 फार्मूला है आज इस मंच के माध्यम से जाइए आप यहाँ सुनिए आप और आत्मसात करिए और दादाजी ने कहा कि 1-2-10 चला करके संगठन आज जो यहाँ पर बात है जितने भाई लोग आए हैं बहन लोग आए हैं दीदी लोग आए हैं जो बातें यहाँ पर सुने कि एसटीसी सत्रांत का पैसा हमारा है तो आपको जिम्मेदारी बनती कि आप सब 10-10 व्यक्ति तक आप उस बात को पहुंचाना है 10-10 व्यक्ति तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे आप लोग पहुंचाएंगे ना तो आप मुझे भरोसा है कि दादा मरकाम जी के आप बेटे और बेटियां हैं और दादा मरकाम जी ने जो त्याग तपस्या किया है वो बेकार नहीं जाएगा दादा मरकाम जी का जो सपना है दादा मरकाम जी ने जो सपना देखा है हमारे लिए दादा मरकाम जी सोते हुए सपना नहीं देखा है दिन के उजाले में और जागते हुए सपना देखा है साथियों और पूरा भरोसा था दादा मरकाम जी को कि मेरा समाज जब राजे महाराजे हैं जब राजपाट किया है ये देश उनका है तो फिर से राजपाट करेंगे निश्चित रूप से साथियों इस देश मूल निवासियों का है एसटी भाई हैं एससी भाई हैं ओबीसी भाई हैं मूल निवासी और माइनॉरिटी के भाई हैं उन सभी को न्याय मिलेगा आज पूरा समाज एसटी भाई ओबीसी भाई एससी भाई माइनॉरिटी के लोग भाई सभी लोग एक मंच में आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिन्होंने इस देश पर राज किया और ये भाजपा कांग्रेस के राज पर इस देश के मूल निवासी आज सड़कों पर आ गई मालिक थे पहले मालिक थे अब सड़क पर आ गए कंगाल हो गए निश्चित रूप से साथियों कांग्रेस और भाजपा की गलत नीति के कारण से भरोसा रखिए आप गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिस दिन भी 2023 में पिछला जो रिकॉर्ड देखिए 22 सीट में हमने काम किया
और 22 से जीतने की भी स्थिति में थे 2018 की स्थिति में। परंतु साथियों लगातार गुणवाना गणतंत्र पार्टी 2023 के बाद से लगातार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगभग 30-35 सीट जीतेगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, अर्थात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किंग मेकर होगी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी होगी। साथियों जब सत्ता की चाबी आपके हाथों में होगी, योजना आपके लिए बनेगी, योजना आपके हिसाब से बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। साथियों निश्चित रूप से आज सब लोग जागृत हो चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये जो विभिन्न समस्याएं क्षेत्रीय समस्याएं हैं, ये समस्याएं तो आएगी ही नहीं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ेगी। और महमूद राजा जी को वचन देते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, खदान की समस्या है, बांध की समस्याएं हैं, खदानों की समस्याएं हैं, जो लोग लूट रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उन डकैतों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं बख्शेगी, उन सब का लेखा जोखा तैयार करेगी और सारे के सारे रिपोर्ट यदि सुधर जाए, यदि नहीं सुधरते हैं तो उनको कोर्ट में खड़े करके न्याय उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से साथियों आने वाले 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस प्रदेश पर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएगी। और दादा हीरा सिमर काम जी ने 2006 में वन अधिकार अधिनियम इस देश के मूल निवासी लोग साथी भाई लोगों को दिल्ली ले जा करके बड़ी लड़ाई लड़ी, करीब मेरे ख्याल से उस समय 4.5 लाख 2006 में पूरे के पूरे देश के आदिवासी भाई इकट्ठा हुए और वन अधिकार अधिनियम सरकार एकदम दबाव में आ गई और वन अधिकार अधिनियम 2006 पास करना पड़ा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महमूद प्राजा जी के नेतृत्व में, महमूद प्राजा जी के सलाह में आपका जो हक अधिकार है एसटीएससी सब प्लान का पैसा आपके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। निश्चित रूप से साथियों ये जो मनरेगा का जो काम है निश्चित रूप से इसको बढ़ाई जाएगी और इसकी मजदूरी रेखा डबल की जाएगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो मनरेगा में आप लोग काम कर रहे हैं कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़कर काम करेगी। निश्चित रूप से साथियों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपसे वचन देती है आप सभी को कि जो काम आज तक नहीं हुए देश के अंदर, आपके हक अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है, जो फाइलों में टेबलों में पड़ी हुई है, वो सारे के सारे खंगाल करके आपके सारे के सारे योजनाएं आपके घरों तक पहुंचाने का काम करेगी। आज इस मंच पर विराजमान है जो हमारे गुजरात से चल करके आए हैं प्रहलाद भाई चौहान जी और इसी तरीके से पूरे देश के और भी अन्य भाई लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपके आंदोलन को देख करके आपको और आगे आंदोलन करना है। आज हम लोग एक गुना आ रहे हैं तो आपको 3 गुना अधिक से खड़े होना पड़ेगा और लड़ाई को इनके जो लक्ष्य है सत्ता तक पहुंचाने काम करना है, सत्ता तक पहुंचाने काम करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपको 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने के लिए और इस क्षेत्र से, इस जिले से, इस प्रदेश से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक बनाने के लिए अग्रिम बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से भरोसा रखे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वादा नहीं करती, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वचन दे रही है। आपको जो सारे हक अधिकार है वो सारे के सारे जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुर्सी में बैठेगी पहला कलम आपके हक अधिकारों पर चलेगी और हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। निश्चित रूप से साथियों आज सब लोग दूरदराज से चल करके आए और इसी तरीके से गांव-गांव में जाकर के काम करें, ये जो बातें आज कही गई है जन जन तक पहुंचाएं और ये कांग्रेस और भाजपा के धोखे में कभी मत आना। इन्होंने पूरा पूरा हमारे समाज को लूट लिया और आगे भी लूटने का काम करेंगे। आज जो उनके बीच में जो हमारे आरक्षण से जो मंत्री और विधायक सांसद बने हैं वो भी समाज को धोखे में रख करके कांग्रेस भाजपा के लिए
काम कर रहे हैं। साथियों, हमें सावधान होने की जरूरत है। जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक के हमें अधिकार नहीं मिलेगा। कोई भला करने वाला नहीं। ना कोई कांग्रेसी भला करेगा, ना कोई भाजपा भला करेगा। आपका भला हो सकता था, खुद कर सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपकी है, आपकी घर की पार्टी है। दादा मरकाम जी ने आपके लिए एक बहुत सुंदर से घर बना दिया है, उस छांव में रहिए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मन से आपके सारे अधिकार आपको मिलेंगे और आपका सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज सभी जो आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, उन सभी को मेरा सेवा जोहर। और जो जितने भी आए हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी भाई बहनों को, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्तियों को मेरा सेवा जोहर, सेवा जोहर, धन्यवाद जी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इशारा